शैला की दरबार गई। आज नबी लवन को घर पर आग और लकड़ियां लेकर आ, आज नबी लवन वहां से लेकर ये अल्लाह ने शहादत दिया। तो शहजादी बगैर सहारे के चल नहीं पा रही थी, चलता हुआ दरवाजा गिराया गया। शहजादी दरवाजे के पीछे, कहा कि दरवाजा खोला जाए, दरवाजे को आग लगा देंगे। कहा कि तुम उस दरवाजे को आग लगाओगे जिस पर रसूल आकर सलाम किया करते थे, मगर अजरे शहादत उम्मत ने ऐसे अदा किया, दरवाजे को आग लगाई गई और जलता हुआ दरवाजा मलूम में ऐसे ढकला, खुदा लानत करे, जलता हुआ दरवाजा आकर शहजादी के फजलियों पर गिरा। शहजादी जमीन पर गिर गई और कहने लगी, अम्मा बेटा मेरा मोहसिन मर गया। यही वजह थी शहजादी फातिमा रहरा बगैर सहारे के चल नहीं पा रही थी। आपने कभी भी सही बात सुना होगा, तो कभी सुना कोई 18 वर्ष के सिर में जईफ होता है, कोई मर्द नहीं जा सकता। अगर पहलू पर दरवाजा मिले तो कितना दर्द होता है, मगर आए शहजादी फातिमा रहरा जानती है, खवातीन समझ सकती है, अगर पेट में बच्चा हो और अगर पहलू पर दरवाजा मिले कितना दर्द होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस आलम में बाबा की आवाज बहनी, बाबा की आसार लेकर आगे बढ़ी है, बाबा की खबर पर आई, आग बरस लिए, रसूल की खबर से आवाज आई, बेटी बद्दुआ न करना वरना जमीन पलट जाए। शहजादी पर जो जुल्म हुआ है वो कर्बला की इब्तिदा है, यहाँ पर भी